Students, in this video we will discuss about the class 5th SST chapter 5th, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्लास 5th की SST का 5th चैप्टर है द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। तो लैंड मतलब होता है जमीन, डेंस फॉरेस्ट मीन्स होता है गहरा या घना जंगल। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक जगह का नाम है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ के घने जंगलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, अफ्रीका का ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और ये कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे। द इक्वेटर जो है यहाँ पे रन अक्रॉस द कंट्री, मतलब कि ये इक्वेटर के बीच से होता है। अगर देखिए मैंने बताया था कि इक्वेटर के पास या बीच से कोई कंट्री होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड मतलब होता है, मतलब बहुत हॉट होता है, गर्मी होती है। द नैदर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज, जो नैदर्न पार्ट है इसका वो नैदर्न हेमिस्फीयर में है और सदर्न पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। आगे देखिए क्लाइमेट यहाँ के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो होता है वो यहाँ पे लिखा है, राइस, कॉटन, कोका, टोबैको मतलब तंबाकू, कॉफ़ी, रबड़, पाम, कोल, कॉपर, डायमंड, मैंगनीज, गोल्ड यहाँ पे होता है। अब यहाँ के क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। तो जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, मतलब कि इट इज़ हॉट। मैंने बताया ना कैसा है यहाँ का क्लाइमेट, हॉट है, हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ गर्मी होती है और बारिश होती रहती है। और इस जगह पे जो बारिश होती है लगभग प्रतिदिन होती है। सुबह के समय जो सन होता है वो बहुत तेज़ी से दोपहर तक, मतलब सुबह से लेकर दोपहर नून तक सन बहुत तेज़ शाइन करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द रीजन बिकम्स वेरी हॉट, इसकी वजह से यहाँ का रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट रहता है। उसके बाद देखिए कि दिस हीट कॉज अ लॉट ऑफ इवापोरेशन फ्रॉम द लेक्स एंड रिवर्स, और इसी वजह से जो यहाँ के लेक और रिवर्स होते हैं बहुत सारा पानी इवापोरेट होती है, इवापोरेट मतलब भाप बन के उड़ते हैं। द स्काई इज कॉल्ड ब्लैक क्लाउड्स, जब वाटर इवापोरेट्स होके ऊपर जाता है तो घने घने काले बादल बन जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। आगे देखिए कि दिस मेक्स द इवनिंग बेटर एज अ टेम्परेचर कम्स डाउन, और जब बारिश हो जाती है तो रात का शाम का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ का वेदर कंडीशन होता है वो मोर लेस देन द सेम, मतलब कि लगभग सेम ही होता है। रिवर कॉन्गो, यहाँ पे रिवर कॉन्गो है, ऑल्सो नोन एज रिवर जेरी, यहाँ का जो रिवर कॉन्गो है उसे रिवर जेरी कहा जाता है, फ्लोज थ्रू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो पूरे जगह पे यही रिवर कॉन्गो फ्लो करता है। और जो यहाँ का रिवर है वह यहाँ के क्लाइमेट पे भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। इनफैक्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ लोकेटेड इन द बेसिन ऑफ रिवर कॉन्गो, और जो इस कंट्री का लार्ज पार्ट है वह रिवर कॉन्गो के पास में ही लोकेटेड है। एंड इट्स आगे देखिए एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के पास, दिस रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, जो रिवर है यह वहाँ का हाईवे है, सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे है। वेजिटेशन यहाँ पे क्या है, वेजिटेशन मतलब जो पेड़ पौधे हैं। नियरली हाफ ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कवर्ड, कि जिससे कवर्ड है, लेस ग्रीन थिक फॉरेस्ट, हरे हरे ग्रीन फॉरेस्ट से कवर है, कॉल्ड द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है इन्हें, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है या रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। और जो यहाँ के जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं, और जो चमकता हुआ सनशाइन होता है और जो रेनफॉल होता है यहाँ के, मतलब जो सनशाइन है और यहाँ जो बारिश इतनी ज़्यादा होती है शाम के समय के, तो इसी वजह से जो यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स ग्रो इवन 15 सेंटीमीटर्स अ डे, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो प्रतिदिन 15 सेंटीमीटर्स ग्रो करते हैं, आपके स्केल में होते हैं ना 15 सेंटीमीटर तक, उसी की बात कर रहा है। सम ट्रीज़ ग्रोज टू द हाइट ऑफ अबाउट 60 meters, और कुछ पेड़ 60 meters तक ग्रो करते हैं। आगे देखिए आगे है कि देयर इज़ अ थिक अंडर ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड ब्रशेस, यहाँ पे और क्या क्या है, श्रब्स और ब्रशेस हैं, द अ लार्ज नंबर ऑफ क्रीपर्स भी हैं, ठीक है।
जो वेजिटेशन को यहाँ के पेड़ पौधे को घना करते हैं। दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन, ये जो फॉरेस्ट है ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें एवर ग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है इसलिए पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं पूरे साल। ठीक है, जैसे देखिए कितनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, ऐसे ही आगे देखिए। इन दिस फॉरेस्ट प्लांट्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, इस फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, मतलब काफ़ी सटे सटे हुए होते हैं। ठीक है, और दे फॉर्म द थिक कैनोपी एट द टॉप। कैनोपी मतलब समझ रहे हैं, जैसे देखिए ये पेड़ है इसी से लगा हुआ, यहाँ भी ऐसे पेड़ है, तो एकदम जो ये पार्ट होता है ना इधर उधर का, उसी को कैनोपी बोलते हैं। एट सम प्लेस दीज फॉरेस्ट आर सो थिक दैट इवन द रेज ऑफ द सन, मतलब कि कुछ जगहों पे ये इतने घने होते हैं कि जो सन लाइट होती है वह इनमें से पास नहीं हो पाती है, मतलब कि पेड़ पौधे इतने घने घने रहते हैं कि जो सन लाइट होती है वह नीचे तक नहीं पहुँच पाती है या पहुँचने में बहुत अधिक समय लेती है। इसी रीजन से जो फॉरेस्ट है कॉन्गो का वह डार्क है, घना मतलब डार्क मतलब अंधेरा रहता है वहाँ पे। डिंगी एंड डैम मतलब कि सूखा तो नहीं रहता लेकिन कहने का मतलब है कि एकदम अंधेरा अंधेरा सा रहता है, पता नहीं चलता सनलाइट का। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज समटाइम्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ द डार्कनेस, और कभी कभी इन्हें क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ द डार्कनेस, मतलब पेड़ों की छाया की वजह से यहाँ पर पूरा डार्कनेस रहता है। फिर देखिए दीज फॉरेस्ट अबाउंड इन ट्रीज सच एज, कौन कौन से मतलब ट्रीज़ हैं यहाँ पे, इबोनी, महोगनी, रबर, बैम्बू, ऑयल पॉम, इटीसी। दीज ट्रीज़ आर वेरी यूजफुल, ये किसके लिए यूज़फुल है, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। किस लिए? इस रॉ मटेरियल का यूज़ कहाँ होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में होता है। आगे देखिए, फिर है वाइल्ड लाइफ, हम लोग एनिमल्स के बारे में देखेंगे। द फॉरेस्ट इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आर इनहैबिटेटेड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ, तो मतलब कहने का है कि अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कलरफुल बर्ड्स, बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स हैं यहाँ पे, बटरफ्लाइज हैं जैसे कि हॉर्नबिल, गोल्ड कोस्ट, फ्लाइंग स्क्वायरल एंड स्क्रीचिंग पैरट्स। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए और है टैसी टैसी फ्लाई, इसके बारे में देखिए पढ़ते ही क्या है। टैसी फ्लाई फाउंड हेयर इज़ अ हार्मफुल इंसेक्ट, ये बहुत ही हार्मफुल इंसेक्ट होता है, विच कॉज अ डेडली डिजीज़, मतलब इसकी एक से काटने वजह से या इसके इन्फेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, एक डेडली डिजीज, मतलब कि इसके काट लेने से कॉल्ड अ स्लीपिंग स्लीकनेस, मतलब कि इसके काटने के बाद व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है या काफ़ी लंबे समय तक सोता रहता है, इसलिए इसको स्लीपिंग स्लीकनेस कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, अमंग द एनिमल्स दैट लिव ऑन द ट्रीज, और ऐसे एनिमल जो पेड़ों पे रहते हैं वे बहुत सारे काइंड्स के होते हैं, जैसे कि मंकी, एप्स, गोरिल्ला, बबूंस, चिंपैंजी, ये सब वहाँ रहते हैं। अदर एनिमल्स जो हैं वहाँ पे वाइल्ड बफेलो हैं, एलिफेंट हैं, ओकेपी है। अब यहाँ पे इमेज तो नहीं दिया है, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ ओकेपी कैसे होता है। और यहाँ पे एक बहुत रेयर टाइप का जिराफ और हिप्पोपोटामस भी होता है, मतलब रेयर टाइप का मतलब कहने का है कि ऐसा जिराफ और हिप्पो जो हर एक जगह पाया नहीं जाता है, बहुत मुश्किलों से कहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे एरिया होते हैं ना जहाँ पे कुछ वहाँ के रेयरली एनिमल्स होते हैं, तो ये वहाँ के जो जिराफ और हिप्पो है वो काफ़ी रेयरली वहीं पे होते हैं, मतलब हर एक जगह ये अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। फिर द अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिगर देन इंडियन एलिफेंट, जो वहाँ के एलिफेंट्स होते हैं वो हमारे इंडियन एलिफेंट से काफ़ी बड़े होते हैं। और रेप्टाइल्स सच एज स्नैक्स, रेप्टाइल्स मीन्स होता है, रेप्टाइल्स मतलब ऐसे आप पशुओं को बोल सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोल सकते हैं जो रेंग के चलते हैं, तो रेंग के चलने से स्नैक्स है, पाइथन है, और ऑल्सो फॉर ए लार्ज नंबर, यहाँ पे स्नैक और पाइथन बहुत ज़्यादा है। और ओविंग टू दिस वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ दीज फॉरेस्ट आर लाइक अ ह्यूज सफारी और नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल हैं इसीलिए इसको नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वेयर एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, मतलब कि नेचुरल जू क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से यहाँ पे जो एनिमल है वो चारों तरफ फैले हुए हैं, उन्हें अपने आप से इकट्ठा नहीं किया गया, जैसे जो मतलब जू होते बनाए जाते हैं तो वहाँ पर एनिमल्स रखे जाते हैं ना, लेकिन ये ऐसा एरिया है जहाँ पर ऐसा देख के लगता है कि बहुत बड़ा जू है। इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में एनिमल्स रहते हैं यहाँ के जंगलों में। फिर देखिए
life of the people. The people of the Democratic Republic of Congo belong to many different races. यहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है, पीपल स्पीकिंग द बंटू लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ के लोग? बंटू लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब कि ये जो बंटू लैंग्वेज है ये बहुत ही अधिक संख्या में लोग बोलते हैं. ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ से. ये देखिए आगे लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर लिव इन स्मॉल विलेजेस. बहुत सारे लोग जो यहाँ रहते हैं छोटे छोटे गाँव में रहते हैं. ठीक है, और जो यहाँ के लोग होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, टफ होते हैं, मतलब काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं. इनका जो कलर होता है काफ़ी डार्क होता है. ठीक है, और कर्ली हेयर होता है. दे फॉलो ट्रेडिशनल वे, और ये ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हैं. ये लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि यहाँ का जो वेदर होता है काफ़ी हॉट और ह्यूमिड होता है. और यहाँ के लोग डांस और म्यूजिक के काफ़ी शौकीन होते हैं. फिर देखो, फार अवे फ्रॉम द विलेजेस एंड इन द थिकेस्ट पार्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट लिव इन प्रिमिटिव ट्राइब. और गाँव से दूर एक घने जंगलों में जो लोग रहते हैं उन्हें पिगमीज कहा जाता है. प्रिमिटिव ट्राइब, ट्राइब में समझते हैं ना, ट्राइबल, जो ट्राइबल लोग होते हैं उन्हें पिगमीज कहा जाता है. मतलब ये जंगलों में रहते हैं, जैसे बंजारा वगैरह होते हैं वैसे ही. इनका भी कलर कैसा होता है? डार्क होता है. ये छोटे होते हैं. इनकी हाइट 1.5 मीटर तक होती है. इन्हें नोमैड्स भी कहा जाता है. नोमैड्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में, काम की तलाश में, अपने एनिमल्स को फीड कराने की तलाश में मूव करते हैं. ठीक है, ये किसी भी जगह पे परमानेंटली नहीं रहते हैं. मैंने बताया ना कि यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं अच्छे प्लेस के लिए, जंगलों को क्लीन करते रहते हैं रहने के लिए. ठीक है, और इनका मेन जो काम होता है वो क्या होता है? वो होता है इनका हंटिंग, गैदरिंग हनी, फ्रूट्स एंड बेरीज फ्राम द फॉरेस्ट से कलेक्ट करना होता है. और इन्हें, ये किसके शौकीन होते हैं? बनानास के बहुत शौकीन होते हैं. ये काफ़ी अच्छे हंटर्स होते हैं, मतलब शिकारी होते हैं. आगे देखिए, अभी लाइफ ऑफ द पीपल है. और यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, तो मेन ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का क्या है? फार्मिंग एंड माइनिंग है. यहाँ पे पढ़ गया है ऑक्यूपेशन के पहले, तो इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है बेटा वो है फार्मिंग और क्या है? माइनिंग है. MINING, फार्मिंग एंड माइनिंग है. ठीक है, उसके बाद पैचेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड आर क्लियर फॉर फार्मिंग. जो यहाँ पे घने जंगल होते हैं उनकी कटाई की जाती है ताकि फार्मिंग किया जा सके. कैसे करते हैं? बर्निंग, मतलब कि वहाँ पे पेड़ पौधों में आग लगा के पेड़ों को काट के. यहाँ के लोग जो मेज़, बनाना, वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट वगैरह, कसावा वगैरह ग्रो करते हैं. दे गेट टॉपिका फ्रॉम द कसावा प्लांट. टॉपिका एक ड्रिंक होती है जो कसावा प्लांट से इनको मिलती है. और टॉपिका इज़ यूज टू मेक अ टाइप ऑफ ब्रेड. ठीक है, और क्या यूज़ होता है टॉपिका? यूज़ कहाँ होता है? एक तरह का ब्रेड बनाने के लिए. ऑयल पाम इज़ यूज टू मेक कुकिंग ऑयल. जो ऑयल पाम होते हैं उनका यूज़ किस लिए होता है? कुकिंग ऑयल को बनाने के लिए होता है. दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग कैश क्रॉप्स लाइक रबड़. अब ये मतलब कि ये लोग और भी क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं? कुछ कैश क्रॉप्स, रबड़, कॉफ़ी, ग्राउंड नट, राइस एंड कॉटन. कहने का मतलब ये है, कैश क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जिनको इंडस्ट्रीज वगैरह में बेचा जाता है, उनके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं. अब इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखते हैं. द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ, यहाँ का जो मेन इंडस्ट्रीज़ है वो टेक्सटाइल का है, केमिकल का है, पेपर का है, सोप का है, सीमेंट और सिगरेट का है. ठीक है, और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं काफ़ी बड़े बड़े सिटीज़ में लोकेटेड हैं, जैसे कि किंसार, लुम्बासी और माताडी. ठीक है, माताडी जो है वो बिगेस्ट पोर्ट है यहाँ का और रेलवे टर्मिनल है. बिगेस्ट पोर्ट का मतलब जो हवाई जहाज जहाँ पे उतरती है उसको बोलते हैं. सॉरी, बिगेस्ट पोर्ट की बात कर रहा है. पोर्ट का मतलब हुआ कि जहाँ पे शिप रुकता है. ठीक है, और रेलवे टर्मिनल मतलब जहाँ रेल वगैरह आती जाती है. द कंट्री हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज. इस यहाँ का पे, इस कंट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, जैसे कि डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर और टीन. ठीक है, और ये जो है कंट्री है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडस्ट्रियल डायमंड का और कोबाल्ट का. सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है. माइनिंग जो है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है इस देश का. आगे देखिए, कटांगा लोकेटेड इन साउथ जेयर इज़ ए रिच इन मिनरल. कटांगा वहाँ की जगह का नाम है
ठीक है, जो वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो यहाँ जो ये कंट्री है ये वाटर रिसोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा रिच है। विद द हेल्प ऑफ इट्स डैम, इसकी डैम की वजह से इट मे बिकम अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि यहाँ के पानी के अच्छे रिसोर्स होने की वजह से ये जो कंट्री है ये बहुत ही अच्छा खासा है, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है जो पानी से बिजली पैदा करना, ठीक है, तो काफ़ी मात्रा में ये करते हैं। आगे देखिए, आगे है कि एज द कंट्री इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइज, और जैसा कि इंडस्ट्री जो यहाँ का है, कंट्री जो यहाँ का है काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, मतलब काफ़ी नवीनीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, इससे यहाँ के जो लोगों की लाइफ है वो काफ़ी चेंज हो रही है। यहाँ के रहने जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की जो लाइफ होती है वो किसी बड़े शहर बड़े मतलब ऐसे रहने वाले लोगों की जैसी होती है, जैसे कोई ऐसे लोग जो बहुत बड़े शहर में रहते हैं, यहाँ के भी शहर में रहने लोगों की लाइफ वैसे ही होती है। किनशासा द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ का ये कैपिटल है, ठीक है। यहाँ के पॉपुलेशन कितना है, 1 मिलियन है, और इस कंट्री का ये लार्जेस्ट सिटी भी है। इट इज़ अ प्रोमिनेंट रिवर पोर्ट, और यहाँ पे बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट भी है, ठीक। आगे देखिए, द कंट्री हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवे, इस कंट्री में अच्छा नेटवर्क है रोड और रेलवे का। द सिटीज़ आर वेल कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो सिटीज़ है यहाँ के वह बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरे जगहों दूसरे देशों से भी काफ़ी कनेक्ट हैं। यहाँ के जो लेक और रिवर है वह नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इट हैज़ अ वेल डेवलप एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे अच्छा एयरपोर्ट जो है या एयर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बस ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा और बचा है यहाँ पे। लाइक अदर एशियन अफ्रीकन कंट्री, दूसरे एशियन अफ्रीका कंट्रीज़ की तरह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी प्रोग्रेसिंग फास्ट हो रहा है, मतलब कि जो एशिया और अफ्रीका के और देश हैं जिस तरह से वहाँ प्रोग्रेस हो रहा है वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्गो में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। द पीपल हेयर आर प्राउड ऑफ देयर कंट्री, यहाँ के लोगों को अपने देश पर बहुत प्राउड है, ठीक। तो बस ये चैप्टर यहाँ पर कम्प्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।